हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सलाम नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, मैंने पंजेरी बनाई थी तो वो बनाने के बाद मुझे याद आया, मतलब सब फ्राई करने के बाद, कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो बस ये थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने ग्रेटेड कोकोनट लिया है जो मैंने फ्राई कर लिया है, और ये मैंने लिया है काजू, बादाम, पिस्ता है, वाटरमेलन सीड्स है, खसखस है, तिल है, जो भी मेरे पास अवेलेबल थे ड्राई फ्रूट्स, तो वो मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है घी में, और उसे थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है। थोड़ा सा खा खा मुँह में आता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ना, इसीलिए आप चाहे तो पूरा पीस सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है ना। तो फिर ये मैंने डाला है गोंद। गोंद हमारी बैकबोन के लिए या बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए जो न्यू मॉम होती है ना, आफ्टर डिलीवरी ये सारी चीज़ें उन लोगों को दी जाती है। तो ये मैं बीमार थी आफ्टर बीमार, मतलब सही होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी, तो हम टैबलेट वगैरह कब तक खाएंगे, तो मैंने ये चीज़ बनाई थी कि थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो ये शुगर है, मैंने पीस कर ले लिया है थोड़ी सी शुगर। आप इसकी जगह जागरी पाउडर है, या फिर जागरी छोटे छोटे तोड़कर गुड़ को हम डाल सकते हैं, आपका वो और भी ज़्यादा हेल्थी हो जाएगा। मेरे पास नहीं था तो मैं ये शुगर डाल दे रही हूँ, और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे, और आप इसको एयरटाइट कंटेनर में भरकर कई दिनों तक खा सकते हैं। इसको दूध में हम मॉर्निंग में मिक्स कर खा सकते हैं, रात में खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्थी होता है, बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हमें इसमें कैल्शियम, विटामिन, जो भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है, हमें इससे मिल जाता है ना। तो मैंने इसलिए ही बनाया था, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। छोटी सी क्लिप है, ये देख सकते हैं आप, मेथी है, इसको मैंने पीसा है। मैं इसको हाफ ऑफ करूँगी, थोड़े में मेथी मिला लूँगी और थोड़ा इस तरह ही रख दूँगी, बच्चों के लिए निकाल लूँगी। तो मेथी खाना भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो थोड़ा कड़वी होती है बट अच्छे हैं, अगर आपको नहीं पसंद आप ऐसे भी खा सकते हैं, है ना। तो देख सकते हैं आप दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, मेरे कैमरे से इतना दिख नहीं रहा है बट ये रियल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी था, मुझे तो ज़्यादा मेथी वाला पसंद है, आपको भी क्या पसंद है मुझे ज़रूर बताना। तो मैं बस ये सारी चीज़ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना, और अगर इसको डिटेल में जानना है या कैसे बनाना है तो भी मुझे बताएं, मैं ज़रूर आपके साथ बताऊँगी। तो चलिए, फिर अल्लाह हाफिज़।